नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। रतलाम पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जब्ती में रखी शराब के अवैध जखीरे पर बुलडोजर चलवाया गया। जी हां, अवैध शराब जिले के अलग अलग थानों में पिछले 11 साल से जब्ती में रखी हुई थी। कुछ देशी शराब के क्वार्टर खाली भी थे, जिन्हें जब्ती में बताकर एक साथ जमा कर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर में खुद ASP राकेश खाका भी बैठे रहे। करीब 2041 वर्ग लीटर और अवैध पर जो बुलडोजर चलवाया गया, उससे सारी शराब को नष्ट कर दिया गया है। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश में जिला आबकारी विभाग द्वारा जब्त शुदा मदिरा का नष्टीकरण किया गया है। वहीं पुलिस लाइन परिसर में खड्डा खोदा गया और अलग अलग थानों से आए जब्त शराब की बोतलों को एक लाइन से जमा रखा गया और खाली बोतलों को लेकर ASP राकेश खाका का ये कहना था कि इतने समय में रखी रहने व लाने में टूट फूट हो जाती है। अब जिले के 13 प्रकरणों की अलग अलग जब्त शुदा शराब की नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। इस दौरान सहायक आयुक्त आबकारी अधिकारी शादाब अहमद सिद्दीकी, SDO पुलिस अभी लाश भलावी, डिप्टी कलेक्टर RC हरित और सहायक जिला आबकारी अधिकारी PP कैरवार और मनीष वर्वे आदि उपस्थित थे। इस मौके पर 2041 वर्ग लीटर मदिरा का नष्टीकरण किया गया।